रोहतक के अपने सम्मेलन में बाबा रामदेव ने कई ताजा तरीन मामलों पर बयानों के बाण चलाए। बाबा ने ईश्वर जहां मुठभेड़ मामले में सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हेडली कह चुका है कि ईश्वर आतंकी थी और आईबी भी मान चुका है कि वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त रही है, तो फिर सीबीआई को क्या दिक्कत है। गुजरात में फर्जी एनकाउंटर की बात की जा रही है, हेडली खुद कह रहा है कि भाई वो लेडी जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित है। फिर देश की आईबी कह रही है, एनआईए कह रहा है, सारी एजेंसियां कह रही हैं कि भैया जो है आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हैं। सीबीआई कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आतंकवादी हैं या नहीं, मैं कह रहा हूं कि एनकाउंटर फर्जी है। तो ये जो इस तरह की, अरे इस देश के अंदर जो है यदि गलत लोगों को ठिकाने ना लगाया जाए तो फिर तो आतंक मचा देंगे, जीना हराम कर देंगे। बाबा रामदेव ने राहुल गांधी पर भी निशाने साधे। उन्होंने कहा कि राहुल जिस सरनेम का फायदा उठा रहे हैं, दरअसल वो धोखे से लिया गया है। बाबा राहुल गांधी को पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाने से भी नहीं चुके। राहुल गांधी के पास एक गांधी सरनेम जो कि उन्होंने धोखा करके लिया हुआ, एक्चुअली इस परिवार का जो सरनेम था वो गांधी था, फिरोज गांधी थे जो कि इत्र का काम किया करते थे। गांधी से इनका क्या लेने देना, ना उनका कुलवंश का संबंध है, ना उनका विचारों और सिद्धांतों का संबंध है। बाबा रामदेव के मुताबिक 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम राहुल के आधार पर लड़ा जाएगा। योग गुरु ने ये भी कहा कि राजनीति में युवाओं की 50% भूमिका होनी चाहिए, उनके लिए रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि वे नेशनल यूथ वोट बैंक बनाएंगे और ईमानदार लोगों को साथ लेंगे। रोहतक से देवेंद्र शर्मा के साथ माधुरी टाक, जानो दुनिया।